नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। भारत की तीनों सेनाएं आज अपने स्वदेशी हथियारों की ताकत का प्रदर्शन करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता का प्रदर्शन देखने के लिए मौजूद रहने वाले हैं। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास आने वाले वक्त में स्वदेशी हथियारों से लड़े जाने वाले युद्ध की झलक भी दिखाएगा। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना स्वदेशी हथियारों से कुछ ऐसा ही पराक्रमी और धमाकेदार प्रदर्शन करने जा रही है, जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक सुनाई देगी। भारत के स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और ताकत को देखने जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पोखरण पहुंचेंगे, उस वक्त शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ के ऑफिस की निगाहें भी राजस्थान पर लगी होंगी, क्योंकि ये तैयारियां भारत की सीमा पर साजिश करने वाले देशों के खिलाफ ही की गई हैं। ये तैयारियां भारत के दुश्मनों को यह समझाने के लिए भी की गई हैं कि अब युद्ध शुरू किया तो भारत इंपोर्ट किए गए हथियारों से नहीं बल्कि घर में तैयार किए गए स्वदेशी हथियारों से इस युद्ध को खत्म करेगा। आप भी जानिए दुश्मनों के दिल में दहशत भरने जा रहा भारत शक्ति युद्धाभ्यास क्या है। भारत शक्ति देश की तीनों सेनाओं की संयुक्त क्षमता का युद्धाभ्यास है, जिसमें स्वदेशी हथियारों से युद्ध अभियान का प्रदर्शन किया जाएगा। सेनाएं 50 मिनट तक स्वदेशी हथियारों से गोलाबारी करेंगी। तीनों सेनाएं लाइव फायर का प्रदर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी खुद हथियारों की मारक क्षमता देखने के लिए उपस्थित होंगे। इसके अलावा यहाँ पर स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी भी लगेगी। यानी पोखरण में भारत के स्वदेशी हथियार लगभग 50 मिनट तक ऐसी गोलाबारी करेंगे जैसी भीषण युद्ध के दौरान की जाती है। भारतीय सेना का यह प्रदर्शन दुश्मनों की आंखें खोलने और उनके दिल में भारतीय सेना का खौफ भरने के लिए काफी होगा। ये युद्धाभ्यास भारत को सामरिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की मोदी सरकार की मुहिम का कर्टन रेजर भी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल देते रहे हैं और इस तरह किए गए प्रयासों का परिणाम भी अब नजर आ रहा है। हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। चलिए अब आप ये भी समझिए पोखरण में आखिरकार कौन कौन से स्वदेशी हथियार और रक्षा उपकरण अपनी ताकत दिखाने वाले हैं, जिसे सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देखेगा, वो दुश्मन देश भी देखेंगे जिनके खिलाफ इनका इस्तेमाल हो सकता है, और वो मित्र देश भी देखेंगे जिनकी सेना इन हथियारों के दम पर और मजबूत हो सकती है। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में हल्के लड़ाकू विमान तेजस, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट वेट टॉर्पीडो, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, T-90 टैंक, अर्जुन टैंक, स्वचलित होविजर, K-9 वज्र, धनुष, सारंग तोपें, अत्याधुनिक ड्रोन और रोबोटिक डॉग म्यूल भी हिस्सा लेगा। अब आप भारत में तैयार किए गए हथियारों के दम पर किसी युद्ध में उतरने के पीछे की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की सोच को भी समझिए। आखिरकार क्यों भारतीय जवानों के हाथ में भारतीय हथियार जरूरी है? ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार है वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा, लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार जो हथियार उसके हाथ में है वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का 2 परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों से घिरा होना। भारत चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों से घिरा हुआ है, ऐसे में 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए स्वदेशी हथियार बेहद जरूरी है।
ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आयात किए गए हथियारों से लंबा युद्ध संभव नहीं है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर और ताकतवर चीन भारत के लिए बड़ा खतरा है। इसीलिए रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य का युद्ध स्वदेशी हथियारों से ही लड़ा जाएगा। इन खतरों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी सफलता का प्रदर्शन आज भारत की तीनों सेनाएं एक साथ करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी भी भविष्य की लड़ाई के लिए आत्मनिर्भरता को बड़ी जरूरत मानते हैं। सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है, अधिक घातक हो रही है। अब हम अपनी रक्षा की नीति और रणनीति सिर्फ अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए नहीं बना सकते। अब हमें फ्यूचर चैलेंजेस को एंटिसिपेट करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने हैं। हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं, भविष्य के हमारे मोर्चे क्या होने वाले हैं, उनके अनुसार हमें खुद को बदलना है। और इसमें स्वावलंबन का आपका लक्ष्य भी देश की बहुत बड़ी मदद करने वाला है। फिलहाल आज भारतीय सेनाओं के पराक्रमी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने के लिए पूरा देश तैयार है। भारतीय सेनाओं की ताकत का प्रदर्शन देश को रोमांचित भी करेगा और सेना की आत्मनिर्भरता देशवासियों को गर्व से भी भर देगी।